हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और टीचिंग वैकेंसी की, जो कि निकल कर आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 53 वैकेंसीज़ आ रही हैं, जो कि इंजीनियरिंग, साइंस एंड आर्ट्स तीनों ही डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ हैं और कई सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप इसका और नोटिफिकेशन को डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, मैं वो हमेशा यूट्यूब से पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप विजिट करेंगे, और जब इसमें नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पर जब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड जाएगा। ये इसका नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 53 पोस्ट। ओके, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 39 एंड एसोसिएट प्रोफेसर की 14 पोस्ट हैं इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ओके, पे स्केल आपका यहाँ पे जो रहने वाला है ग्रेड पे 6,000 रुपीज़, एंड यहाँ पर ग्रेड पे जो आपका रहने वाला है 9,000 रुपीज़ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ओके, एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, वो 13 जनवरी है। लेकिन 13 जनवरी के बाद आपको 7 दिन का टाइम और दिया गया है यहाँ पर। साथ में 20 जनवरी 2023 तक आपको शाम 4 बजे से पहले इस एड्रेस पर रहने की, रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और इसका जो पिन कोड होगा उसको साथ में आपको लिख करके एक लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ में बाई पोस्ट सेंड करना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर वैकेंसीज़ की। सबसे पहले आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, सेंटर फॉर डिफेंस नेशनल सिक्योरिटीज़ में एक, सेंटर फॉर मेडिकल फिजिक्स में एक, सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ में एक वैकेंसी, सेंटर फॉर स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सीलेंस में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर दयानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज़ यहाँ पर एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और यहाँ पर इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में एक एसोसिएट प्रोफेसर, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यहाँ पर एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और यहाँ पर हम बात करें और किसकी, सब्जेक्ट जियोलॉजी में एक वैकेंसी, हिस्ट्री में 1, हिंदी में 1, इंडियन थिएटर में 2 वैकेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल डेवलपमेंट में एक वैकेंसी एससी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, लॉ में एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर में एससी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन में 1, मोस्टली सभी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-1 वैकेंसी है। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से हैं, हिंदी, इंडियन थिएटर, लॉज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रशियन, संस्कृत, स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो वैकेंसी है। और साथ में अभी और रह गए हैं, यहाँ पे है इंडोलॉजिकल स्टडीज़ होशियारपुर, और जूलॉजी में भी यहाँ पे एक एक वैकेंसी दोनों ही पोस्ट के लिए अवेलेबल है। और जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो नीचे दी गई है। वैसे तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी एलिजिबिलिटी खुद देखनी पड़ेगी, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होती है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वो ये होती है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास पीएचडी होना चाहिए, और साथ ही कम से कम 8 से 10 साल का, या इन्होंने जो भी इसमें नीचे मेंशन किया होगा, 10 साल 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही आपके पास नेट JRF या फिर सेट स्लेट आपके अगर स्टेट से है तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर नेट JRF स्लेट स्लेट नहीं है आपके पास तो आपके पास PhD होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। साथ ही आपके रिसर्च पब्लिकेशंस और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी जो हैं अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, आपको उतना ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ये इसका डायरेक्ट लिंक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा, प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्म
ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि रेड बॉक्स आर मैंडेटरी फील्ड, तो जो रेड बॉक्स वाली जो भी हैं वो सब मैंडेटरी है, मतलब आपको सभी यहाँ पे फिल करना है। नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज या मिस, जो भी आप लगाते हैं, मान लीजिए मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे फुल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी दो बार डालेंगे और पासवर्ड एक आप क्रिएट करेंगे जिसमें कि आपका 8 कैरेक्टर्स का कम से कम होना चाहिए, जिसमें कि इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, ये सभी इंक्लूड होना चाहिए। ओके, और ये इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर जब क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल या ईमेल पर आपको डिटेल आ जाएगी, देन लॉगिन पे आप जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे। उसके बाद अपनी लॉगिन आईडी यानी कि जो भी आपके मेल पर या मैसेज पर लॉगिन आईडी आई होगी 6 डिजिट की, वो आपको मिलेगी, वो आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके, और आप देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, 14 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 13 जनवरी लास्ट डेट है। ओके, पेमेंट करने की भी और लॉगिन वगैरह करने की सब कुछ डेट 13 तारीख है, और यहाँ पे 20 जनवरी तक आपको फॉर्म सेंड करना है बाय पोस्ट। ये देखिए पूरा एड्रेस यहाँ पे साथ में इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार से लेकर के ये पूरा जहाँ तक पिन कोड है ये पूरा एड्रेस है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉर्म कैसे फिल करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है। ओके, अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा। और साथ ही चाहें तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है आप बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके की रेगुलर टीचिंग वैकेंसीज़ दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।